सभी 9th, 10th और 11th की छात्राएं हैं जिन्होंने सुंदर सुंदर मेहंदी बनाई है, स्केच बनाए हैं। प्रिंसिपल मैम मेहंदी के स्केच को देख रहे हैं सभी छात्राओं के, और क्योंकि जज के तौर पर हैं आज, जौहरी हैं, निर्णायक भूमिका में हैं, वो देखेंगे कि किस तरीके से बेहतर है और किसने शानदार प्रतियोगिता में जो मेहंदी बनाई थी उसमें भाग लिया। मैम हम आज पहुंचे हैं लॉर्ड्स कृष्णा इंटर कॉलेज में, जहां तीज महोत्सव बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरे साथ 9th, 10th, 11th की छात्राएं हैं जिन्होंने स्केच बनाए हैं मेहंदी के, क्योंकि अगर हरियाली तीज की बात हो और मेहंदी की बात ना हो तो ये जो तीज पर्व है ये अधूरा सा लगता है। मेरे साथ वो छात्राएं हैं, मैं पूछूंगा, सुंदर सुंदर पेंटिंग आप मेरे माध्यम से देख पा रहे हो, बेटा क्या नाम है? मेरा नाम आरती चौधरी है। कौन सी क्लास है? मैं कक्षा 11 से हूँ। आज तीज पर्व है, और तीज पर्व क्यों मनाते हैं और क्या होता है तीज पर्व? आज के दिन भोले और पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसलिए हम तीज को मनाते हैं। अच्छा, सुंदर सुंदर मेहंदी का क्यों महत्व? हरियाली तीज के उपलक्ष्य में हम मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी का बड़ा क्रेज रहता है। आपने बनाई है? सही है। क्या नाम है बेटा? कीर्ति। कीर्ति कौन सी क्लास? 9th। कीर्ति क्या है आज आपके हाथ में मेहंदी सुंदर बनाई है? आज हरियाली तीज है। हरियाली तीज क्यों मनाते हैं? आज के दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। इसमें सबसे ज्यादा क्रेज क्या रहता है? मेहंदी का रहता है। आपने मेहंदी बनाई है, और कौन सी प्रतियोगिता में आप भाग ले रहे हैं? क्योंकि आज कुछ शायद प्रतियोगिता भी होगी। 9th और 10th का तो बस मेहंदी वाला प्रोग्राम ही है। इससे पहले जो क्लासेस में थी तब भी भाग लिया था? मेरा न्यू एडमिशन है। न्यू एडमिशन। क्या नाम है आपका? अर्चना। मेहंदी आपने भी सुंदर बनाई है, मैं समझता हूँ कि प्राइस तो आप ले लेंगे। क्या होता है तीज, वही आपसे भी सवाल है। आज के दिन भोले जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसलिए हम बनाते हैं तीज। इसलिए तीज पर हम मनाए। बता रहे हैं कि आज हमारे भोले और पार्वती का जो विवाह हुआ था, इस उपलक्ष्य में हम तीज महोत्सव मनाते हैं, और ये वाकई मैं देख पा रहा हूँ जितनी छात्राएं हैं आज 11th, 9th, 11th, 12th की लॉर्ड्स पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज में, वो सभी के हाथों में स्केच है, सुंदर सुंदर स्केच है, क्योंकि ये स्केच हाथों पर भी पहुंचना है, हमारे सुंदर हाथों को और सुंदर बनाएगा। क्या नाम है बेटा? सोनम सैफी। सोनम सैफी कहाँ से हैं? कौन सी क्लास से हैं? 10th। 10th से हैं। मेहंदी सुंदर है, अच्छी है। थैंक यू सर। तो मेहंदी ये पहले बनाया करते थे या स्कूल से ही ट्रेनिंग मिली है? नहीं, पहले से ही बनाए थे। अच्छा, मेहंदी तो सुंदर है, क्या क्यों मनाते हैं? वही सवाल आपसे है सर। आज के दिन पार्वती जी का विवाह हुआ था, इस वजह से मेहंदी ज्यादा लगाते हैं। आज हरियाली तीज भी है, तो इस वजह से उसमें कंपटीशन भी हुआ है हरियाली तीज का। तो कंपटीशन में अभी अनाउंस हो गया? अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। बताया अभी कंपटीशन का अनाउंस नहीं हुआ। क्या नाम है बेटा? मोहिनी। आपके भी सुंदर हाथ सज पाई है, हाथों पर भी जाएगी स्केच। थैंक यू सर। क्यों मनाते हैं तीज सर? इसमें भोले और पार्वती माता का विवाह हुआ था, इसलिए इस उपलक्ष्य में हम मेहंदी को और हरे कपड़े पहने जाते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं। अच्छा, ये सवाल मेरा सभी से होगा, सभी ने एक ही सवाल दिया है कि भोले पार्वती का विवाह हुआ था। मैं चाहूंगा कि कोई इसका अलग जवाब दे मुझे कि क्यों मनाते हैं तीज, कौन बताएगा? भोले पार्वती के विवाह के अलावा क्यों मनाते हैं तीज, कोई बताएगा? मैं भी उसको प्राइज दूंगा अपनी तरफ से अगर कोई बताता है। चलिए कोई बात नहीं, अभी वेट करेंगे और इसके बाद फिर इनके पास आएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे कार्यक्रम है लॉर्ड्स इंटर कॉलेज में जो हरियाली तीज पर हो रहे हैं, प्रतियोगिताएं भी हो रही हैं, और बच्चे जितनी भी लड़कियां हैं सब हर्षोल्लास उस कार्यक्रमों में भाग भी ले रहे हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं सुंदर स्केच जो आप देख पा रहे हैं। मेरे हिसाब से शायद मैं तो किसी को जज नहीं कर पाऊंगा, जज यूं नहीं कर पाऊंगा, एक से एक बढ़कर मेहंदी की स्केच है इनके हाथों। चलिए मेरे साथ और प्रतियोगिता की तरफ भी आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है, मेरे साथ 11th कॉलेज 11th की छात्राएं हैं, और सुंदर पेंटिंग आप मेरे माध्यम से देख पा रहे हो। कहते हैं जब तक मोर नहीं नाचता बारिश नहीं होती, सुंदर पेंटिंग बनाई है उन्होंने। मैं पूछूंगा बेटा क्या नाम है आपका? तरुणा कश्यप। क्या बनाया है आज आपने? आज कौन सा दिन है? आज तीज हरियाली। तीज हरियाली। क्या होता है तीज पर? तीज पर सर मेहंदी लगती है। और क्या होता, क्यों मनाई जाती है सर?
भोले पार्वती की शादी इसलिए तीज मनाई जाती है, खुशी का दिन है। हाँ। और खास तौर से बेटी और हमारी बहनों का दिन है इसलिए। अच्छा, और क्या क्या खास होता है, क्या क्या खास करने जा रहे हैं आप आज के दिन? यहाँ के बाद घर जाएंगे, घर जाके बाद क्या खास करना है जिससे कि आज हम अपनी हरियाली तीज को और बेहतर बना सकें? सर, तीज खेलने जाते हैं लोग, बता रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, शायद हम शेयर कर देंगे तो सीक्रेट खत्म हो जाएगा। क्या नाम है बेटा आपका? सर, मेरा नाम आरती चौधरी है। आरती जी, अभी अधूरा है शायद ड्रॉइंग, सर पर टाइम नहीं मिल पाया। टाइम नहीं मिल पाया। अच्छा, क्यों बनाई जाती है रंगोलियाँ, क्यों मेहंदी सजाई जाती है? सर, आज के दिन भोले और भोली जी और पार्वती मैया की विवाह हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में हमने मेहंदी लगाई थी, आपने देखा भी होगा और ये बहुत डेकोरेशन किया है। अच्छा, मैं ये कहूँ कि आज जैसे आप पुलिस से चले जाएंगे, प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी, प्राइस भी आप जीतेंगे, घर जाके क्या क्या करना है इस को कैसे आप? सर, माना जाता है कि हरे कपड़े पहनते हैं और झूला वगैरह झूलने के लिए जाते हैं, सुना है कि सावन में झूला झूलते हैं और खेलने के लिए जाते हैं तीज। अच्छा, हरे कपड़े ही क्यों पहनते हैं? सर, हरियाली तीज, हरियाली तीज बता रहे हैं कि हरे इसलिए पहने जाते हैं कि हम दूर से बता सके कि हम हरियाली तीज में सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज के दिन को हम अपना महत्वपूर्ण दिन बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम हरे कपड़े पहनते हैं, खासतौर से वैवाहिक। कहाँ बेटा, क्या नाम है आपका? प्रज्ञा चौधरी। प्रज्ञा, ड्रॉइंग अभी अधूरी रह गई है। यस सर, टाइम कम मिला था। अच्छा, क्या रहा, क्या कैसे मनाई जाती है और क्यों मनाते हैं? हरियाली तीज सर इसलिए मनाई जाती है, ग्रीन ग्रीन कपड़े पहनते हैं, मेहंदी लगाते हैं और फिर घर जाके भी खेलने जाते हैं, झूला झूलते हैं, सब लोग जाते हैं साथ में। झूला आप भी झूलेंगे घर? हाँ, सब सर घर के सब झूलते हैं। क्या नाम है बेटा? विधि पवार। वही सवाल क्योंकि अधूरी रहेगी, पेंटिंग मुझे भी अधूरा सा लग रहा है, सारा फ्रेम जो है अधूरा है, लेकिन घर जाके जो तैयारियां हैं वो क्या तैयारियां हैं इस हरियाली तीज को लेकर? सर, ग्रीन कपड़े पहनना और झूला बोला झूलना, खेलना मेलना बस यही। क्या नाम है बेटा? सर, पायल चौधरी। क्या तैयारियां हैं तीज को और क्यों मनाई जाती है? सर, घर जाके अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, सबके साथ बाहर खेलने जाएंगे तीज और सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से। बस मेहंदी तो आपके हाथों पर सजी नहीं है, घर जाकर सजेंगे। हाँ सर, नहीं सर, मेहंदी नहीं लगा सकते, सर ने मना कर दिया। बता रहे हैं कि स्कूल से सख्त हिदायत है, मेहंदी हमको नहीं लगानी है, लेकिन हमने मेहंदी औरों के लिए जरूर सजाई है। वो डिजाइन, वो खूबसूरत डिजाइन जो कि हमारे प्रतियोगिता में पहुंच चुके हैं और हमें वहां से प्राइज भी मिलने वाला है, ये इन बच्चियों का कहना है। चले मेरे साथ, अब मैं आपको उस हरियाली तीज की तरफ लेके चलता हूँ जो खासतौर से आप भी पहचान जाएंगे, वाकई आज हरियाली तीज है। चले मेरे साथ, अब एक और रंगोली कहेंगे हम इसको, क्योंकि स्केच दिखाई पड़ रहा है हमारे पेपर के माध्यम से, इन्होंने हरियाली तीज लिखा है। बड़ा, क्या नाम है आपका? काजल शर्मा। काजल शर्मा, आपने हरियाली तीज बनाई है, क्या होता है हरियाली तीज और क्यों मनाई जाती है हरियाली तीज, कितना महत्व है? सर, इस दिन पार्वती जी ने कठोर तपस्या की थी भोले जी को अपने पति के रूप में स्वीकार करने के लिए, जिससे कि प्रसन्न होकर भोले जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, इसीलिए हम हरियाली तीज बनाते हैं। अच्छा, हरियाली तीज को हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या महत्व होता है, क्या क्या इम्पोर्टेंट होती है आज के दिन, खासतौर से महिलाओं को देखा जाता है? महिलाओं को देखा जाता है, वो हरी साड़ी पहनती हैं और मेहंदी लगाती हैं। बेटा आप बताएं, क्या नाम है आपका? सर, राखी गौतम। राखी गौतम, क्या सजाया है आपने, अच्छा लग रहा है, हरियाली तीज लिखा है आपने, क्या होता है हरियाली तीज? सर, मेहंदी लगाई जाती है, साड़ी मतलब ग्रीन साड़ी पहनते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छोटे छोटे हाथों से जो सुंदर पेंटिंग बनाई गई हैं आप मेरे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हो, और मैं दर्शकों आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझको भी प्राइज देना है, लेकिन जज आप करेंगे, जिसकी भी प्रतियोगिता में अच्छी लगेगा आप पेंटिंग हो, मेहंदी हो, उसको हम भी अपने चैनल की तरफ से गिफ्ट जरूर देंगे, लेकिन उसका सुझाव और उसका डिसीजन केवल आपको लेना है कमेंट्स बॉक्स के अंदर। बेटा, क्या नाम है आप तो? मेहंदी भी लगता है आप जो परफेक्ट है मेहंदी में भी और यहाँ भी। सर, मोहिनी है, क्लास 12 से हैं, वो डेकोरेशन कराया हमने आज के दिन, मतलब पार्वती और भोले शिव शंकर का विवाह हुआ था, जिसमें लेडीज जो होते हैं मतलब कि महिला जो होते हैं मेहंदी लगाती हैं, ग्रीन साड़ी पहनते हैं, ज्यादातर देखा गाँव में झूला भी झूलते हैं और बहुत सारे वो हैं। मैं एक ही बात पूछना चाह रहा था, झूले का जिक्र नहीं आ रहा था, झूले का जिक्र अब आया है, बेटी ने बताया है कि झूला भी झूलते हैं, क्योंकि अगर झूला ना हो और तीज का कार्यक्रम हो तो बड़ा अधूरा सा लगता है,
बेटी ने आज बताया, उसी को मैं ढूंढ रहा था। और क्या होता है तीज में? आपने हैप्पी हरियाली तीज लिखा है। मेरा नाम रश्मि चौधरी है, क्लास 12। महिलाएं व्रत रखती हैं इसमें और हरी हरी साड़ियां पहनती हैं, खेलना ये सब होता है, झूला। अच्छा, आपने ये डेकोरेट करा था तो कल इसका डिसीजन क्या होता कि हमें क्या बनाना है, क्या करना है, तो या आज एकदम तय हो गया? सर बताया तो कल ही था, ये हमने भी मेहंदी तैयारियां की, मेहंदी की डेकोरेट के लिए। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शगुन चौधरी है। और सर हम हरियाली तीज हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि माता पार्वती ने बहुत ज्यादा कठोर तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए, तो इसी दिन शिव जी ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए मनाई जाती है हरियाली तीज। इस दिन ये सर त्योहार जो होता है औरतों के लिए बहुत खास होता है, हरी साड़ियां पहनती हैं, झूला झूलती हैं, सर अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं, सर ये होता है हरियाली तीज पे। अच्छा, आज ये तो कार्यक्रम स्कूल का होगा, स्कूल के घर जाकर क्या कार्यक्रम करना? सर घर जाके सारी लड़कियां इकट्ठी होती हैं और सर एक जगह जाती हैं खेलने के लिए, वहाँ पे अलग अलग खेल खेलती हैं, झूला झूलती हैं, सर ये सब मेहंदी वगैरह लगाती हैं लड़कियां, सर ये सब होता है। आज का दिन महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज के दिन सज धज कर जाना और अपनी सहपाठियों के साथ बात करना, झूले झूलना, मेहंदी लगाना, मैं समझता हूँ खास तौर से पर्व आज ये महिलाओं का पर्व है। जो इन बेटियों ने बताया कि आज स्कूल के बाद हम जो हमारा हर्षोल्लास का पर्व होगा उसको भी हम मनाएंगे, सहपाठियों से बात करेंगे, झूला झूलेंगे और जो सारी बातें होंगी। तो चले मेरे साथ एक और कंपटीशन की तरफ आपको चलता हूं जो कि लॉर्ड क्रिसल इंटर कॉलेज की लड़कियों ने सजाया हुआ है। चलिए मेरे साथ। आशु, मेरे साथ लॉर्ड क्रिसल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सुधा चौधरी जी हैं और क्योंकि आज का दिन कॉलेज में एक महत्वपूर्ण दिन तो था ही, लेकिन रंगोली के, मेहंदी के और जो प्रतियोगिता हुई है पेपर के माध्यम से उसमें चार चांद लगा दिए छात्राओं ने। और हम बधाई देना चाहते हैं कॉलेज के मैनेजमेंट को और कॉलेज के प्रधानाचार्य को। मैं उन्हीं से पूछता हूं क्योंकि तीज महोत्सव है और उनकी बात रहा क्योंकि आप भी ग्रीन साड़ी में रहे और आज हरियाली तीज है, क्या कहना चाहते हैं इस पर्व पर आपको? देखो पहले, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूं, आपने हमारा अपना कीमती वक्त दिया। जी जी। और उसके बाद हरियाली तीज क्यों, क्या होता है हरियाली तीज? अच्छा। क्योंकि मैं देख पा रहा हूं मेहंदी की प्रतियोगिताएं हो रही हैं आपके कॉलेज। हरियाली तीज हमारा एक फेस्टिवल है। जी जी। जो सावन के महीने में आता है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन हम सभी लोग ग्रीन वस्त्र पहनते हैं और अपना जो फेस्टिवल से रिलेटेड जैसे मेहंदी लगवाना, सभी लेडीज क्यों, मान्यता है कि इस दिन शिव और पार्वती का मिलन हुआ था। पार्वती माँ ने 108 बार जन्म लिया था। जी जी। इसके शिव मतलब शिव जी से मिलने के लिए जी। उन्होंने 108 बार जन्म लिया था, तो सभी लेडीज अपने पति की लंबी आयु के लिए इस फेस्टिवल को रखती हैं। और हम स्कूल में इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारे बच्चों को अपने फेस्टिवल से रिलेटेड नॉलेज हो, क्योंकि बीच बीच में क्या है कुछ टाइम ऐसा हुआ था स्कूलों में भी सब जगह थोड़ा ध्यान कम हो गया था, तो हमारे बच्चों को इस बारे में पता ही नहीं कि हमारे पुराने फेस्टिवल क्या होते हैं या हमें किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए या हम क्यों मनाते हैं, संस्कार से दूर जा रहे हैं। हाँ, तो वो सब चीज की इनको थोड़ी नॉलेज अपडेट हो, इसलिए हम थोड़ा प्रोग्राम कर लेते। अच्छा, जैसे आज सुंदर मैं देख पा रहा हूँ सभी के हाथों में मेहंदी लग पा रही है, प्रतियोगिताएं हो पा रही है, तो क्या आज इनको प्राइज भी दिए जाएंगे प्रतियोगिता जो हो रही है यहाँ से? हाँ, देखो अभी हमने बच्चों का किया है तो हम इनको बच्चों को देंगे, फिर हमारा है कि हम टीचर्स का भी कराएंगे अभी प्रोग्राम, तो उनमें जो भी हमारे टीचर्स अच्छा करेंगी या जिसको ज्यादा नॉलेज उससे रिलेटेड होगी तो हमको उनको प्राइज देंगे। आज लॉर्ड क्रिसल इंटर कॉलेज में कंपटीशन का दिन है मेहंदी तीज को लेकर, तीज पर्व को लेकर, तीज महोत्सव को लेकर। मैम ने बताया कि वाकई हम जो हमारे बच्चे संस्कार से दूर जा चुके हैं, हम चाहते हैं उनको समय समय पर हमारे कॉलेज में जितनी भी छात्राएं मौजूद हैं और जो एक्टिविटीज करती हैं उस संस्कार को, उस पर्व को लेकर हम इसको समय समय पर कराते रहते हैं जिससे कि वो संस्कार से दूर ना जाए। मेरे साथ कोई छात्रा, आप बेटा क्या होता है तीज पर, क्या आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? आज का दिन हमारे सनातनी धर्म में बहुत ज्यादा, मैं क्लास 10th में हूँ और मेरा नाम दीपा है। जी जी। मैं इस हरियाली तीज के बारे में ये बताना चाहूंगी, हमारे सनातनी धर्म में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज के दिन माँ पार्वती ने घोर तपस्या करके महादेव जी को पाया था और इसी दिन महादेव जी ने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, इसीलिए हम हरियाली तीज मनाते हैं। इस दिन हम हरे कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये
खुशियों का प्रतीक होता है हरा हरे वस्त्र पहनना आज के दिन, और झूले झूलते हैं, और सभी पत्नी अपने पतियों की लंबी आयु के लिए व्रत भी रखती हैं। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप कॉलेज के मैनेजमेंट को, क्योंकि इतनी सुंदर जो आज प्रतियोगिता करा पा रहे हैं आप? मैं उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने की, और जैसे कि मैम ने बताया कि हम अपने संस्कारों से दूर भागते जा रहे हैं, तो इस चीज की हमें नॉलेज होनी चाहिए और हमें दूर नहीं भागना चाहिए, ये अपना धर्म है, इसको अपनाना चाहिए, और हमें सारे फेस्टिवल्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है, कैसे होते हैं, इनकी नॉलेज होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत शानदार तरीके से बेटी ने अपनी व्यक्तित्व को रखा है, और ऐसा होना भी चाहिए। जो आज कॉलेज दे पा रहा है, कॉलेज बता पा रहा है कि संस्कारों से जोड़ रहा है कॉलेज, वाकई हम इस कॉलेज की भी बारंबार धन्यवाद करना चाहते हैं उस मैनेजमेंट टीम को जो इस तरीके के आयोजनों को समय समय पर कराती है। चले मेरे साथ, अब मैं आपको कॉलेज की और कुछ एक्टिविटी की ओर लेके चलता हूँ। हरियाली तीज पर कॉलेज में एक सभी शिक्षकों के बीच एक कार्यक्रम चल रहा है, इसमें बॉटल को मूवमेंट किया जा रहा है जिसकी तरफ आएगी, और जो जो मुझे सिखलाती है वो मेरी माँ है, मैं जब रोती हूँ मुझे जो हंसाती है वो मेरी माँ है, मेरे कांपते हुए हाथों को जो सहारा देती है वो मेरी माँ है, मुझे आज तक रोता हुआ जो हंसना हंसना मुझे सिखाया है वो मेरी माँ है। तरी नमन करें आप यहाँ जो भी आए हैं, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में नशीब के सारे, इन जानवरों की जाने आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है शनसार। आज जो कार्यक्रम है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरे जो पीछे सब कुछ दिखाई दे रहा है, इससे आप अंदाजा लगा पा रहे हो आज कौन सा पर्व है और कौन सा त्योहार है। इसलिए आज मैं एक और मैं बताता चलता हूं, खैर आपको ज्यादा आप दिमाग पर जोर न डालें, क्योंकि आज तीज पर्व है, हरियाली त्योहार है, क्योंकि सब दिखाई दे रहा हो, ग्रीन दिखाई दे रहा है, सारा जो बगीचा है वो यही आ चुका है। अब मैं उनसे पूछूंगा, मैम आपसे शुरुआत करते हैं, तीज पर्व क्यों मनाया जाता है? सर सबसे पहले राजा हिमालय की पुत्री पार्वती जी, उन्होंने ये व्रत रखा था जी, और इसके फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव पति के रूप में मिले थे, और इसीलिए आज जो व्रत रख रहे हैं कुंवारी कन्या व्रत रखती हैं, वो अच्छी जीवन साथी को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखती हैं, और इस दिन मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग इसको मनाती हैं, खुशियां मनाती हैं इस दिन अपने अकॉर्डिंग, जिसको जैसे पॉसिबल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, जैसे ये तो स्कूल की खुशियां हो गई, घर जाके क्या खुशियां सेलिब्रेट करने और क्या बेहतर होने जा रहा है? घर जाकर अपने अपने हाथों मेहंदी लगाते हैं, बच्चे भी लगवाते हैं, और अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, खिलाते हैं, और झूला वगैरह झूलते हैं। खैर झूले का नाम आ गया, मैं बार बार झूले का जिक्र करना चाह रहा हूँ सभी लोगों से, लेकिन अंतिम पंक्ति में झूला आ पा रहा है। चले मेरे साथ, अच्छा ग्रीन साड़ी क्यों पहना जाती है आज? सर ग्रीन कलर, नाम भी बताते चले आप। पूजा शर्मा जी, ग्रीन एक शांति का प्रतीक है, खुशी का, हरियाली का, तो इस दिन हरा हरियाली तीज है, तो हरा इसीलिए और पहना जाता है कि हरियाली तीज खुशियों का लेकर आए, खुशियां लेकर आए, तरक्की लेकर आए, इसलिए ग्रीन बहुत जरूरी है। बता रहे हैं कि हरियाली तीज इसलिए और हरियाली साड़ी हम इसलिए पहनते हैं, हरियाली कपड़े हम इसलिए पहनते हैं कि जो हरियाली पर्व है बाकी सब कुछ हरा भरा लगना चाहिए। अच्छा, जैसे आप यहाँ स्कूल के सेलिब्रेशन के बाद घर जाके किस तरीके से सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं और क्या इस दिन को महत्वपूर्ण बनाना जा रहे हैं? सर सबसे पहले तो हम सब हाथों शाम को मेहंदी वेहंदी लगा के अपना रेडी होके सारी लेडीज जो है एक जगह इकट्ठा होती है, सेलिब्रेट किया जाता है, खाने डिशेस जो भी है बाहर पार्टी सेलिब्रेट किया जाता है, और फिर मोस्टली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज के दिन वो झूला है, तो वो झूला झूल कर वीडियो शूट वूट करके अपना फुल एंजॉय का दिन है आज इन वो भारतीय नारियों के बीच में। अच्छा, मेरे साथ एक वो बहुत सीनियर है,
और बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। आज की तीज किस तरीके से सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और किस तरीके से इस दिन को महत्वपूर्ण बनाना चाह रहे हैं? तीज का त्योहार तो अपने मैंने कई विद्यालय में सर्विस किया, 38 साल हो गए मुझे टीचिंग करते हुए, लेकिन ये आज पहला मौका पड़ा है इस तरीके से देखते हुए। वैसे विद्या मंदिर में मनाया जाता था, हाथों में लगाई जाती थी मेहंदी, यहाँ कागज पे बनवाई गई है, तो बच्चों ने अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करा इस फंक्शन को, तो काफी अच्छा लग रहा है और तरह तरह के बच्चों ने पार्टिसिपेट किए तरह तरह के कार्यक्रम में, तो काफी अच्छा लगा। और ये त्योहार जो है खुशियों का त्योहार है, सुहागी लौटों का त्योहार है, कन्याएं भी इसे मनाती हैं क्योंकि अपने शिव जैसे उनको पति देव प्राप्त हो, इस वजह से सारा त्योहार खुशी पूर्वक मनाया जाता है। अपने 38 साल के अनुभव को साझा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि आज मैं फर्स्ट तीज से मिलाने जा रहा हूँ, बता रहे हैं कि अपनी लाइफ का फर्स्ट तीज है शादी के बाद, बट आज क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा दिन है, सबसे खुशियां ज्यादा है, मैं समझता हूँ आप ही के मैं आई हैं आज के हिस्से में, तो किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन को आप? सुबह उठे स्कूल के लिए ज्यादा डेस्परेट थे कि आज फंक्शन है स्कूल में, तो अच्छे से रेडी होके जाते हैं, कॉम्पिटिशन तो होता ही एक दूसरे को देख के हमको बेटर लगना है, और मुझे तो और भी बेटर लगना था कि फर्स्ट है। था आपका। हाँ जी, और घर जाके और भी सोचेंगे कि और भी ड्रेसेस चेंज करें, फर्स्ट है तो एक्सपीरियंस तो लेना ही है कि कैसा होता है। आज के तीज को मतलब यादगार बनाना चाहते हैं कि वाकई जो फर्स्ट है वो ऐसा हो जो कि हम हमेशा याद रखे कि हमने इतना एक्सपीरियंस किया था। मैं स्कूल में आई हूँ, स्कूल में बच्चों को देख रही हूँ न्यू एक्टिविटीज करते हुए, बच्चे भी काफी एक्टिविटीज करी है बच्चों ने, और टीचर्स को भी देख रही हूँ मैं, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, देख रही हूँ कि टीचर्स भी सच क्या है, पर मुझे कॉम्पिटिशन का बहुत शौक है कि मैं सबसे बेटर लगूं। मैम ने बताया कि मैं तो पहले से ही बहुत तैयार थी क्योंकि मुझे इस दिन का इंतजार था कि मेरे लाइफ की पहली हरियाली तीज आएगी शादी के बाद, वेडिंग के बाद, इसलिए मैं खुश हूँ और मैं तो